आज 9 मई है और आज क्या होता है, आज हिंदुआ सूरज मेवाड़ रतन महाराणा प्रताप जी की जयंती है। आज महाराणा प्रताप के जन्म लिए हुए 463 साल हो चुके हैं, जहां 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था, जहां माता जयवंता बाई के कोख से और महाराणा उदय सिंह के पुत्र के रूप में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और मेवाड़ के अजय और परम प्रतापी शासक, जिनकी हाइट को 7.5 फुट कहा जाता है, अकबर उनके सामने आने से डरता था हल्दीघाटी युद्ध में, जो जीत के मान सिंह को भगा दिए थे। हालांकि हमें पढ़ाया कुछ और जाता है, लेकिन आज इतिहास सामने आ रहा है कि हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। जिस दिवेर का युद्ध, जिसे मैराथन ऑफ मेवाड़ कहा जाता है, जिसको महाराणा प्रताप द्वारा एकदम विध्वंसक रूप से जीता गया था, जिसको जो है हल्दीघाटी युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण दिवेर के युद्ध को माना जाता है, जहां विजयदशमी के दिन महाराणा प्रताप की सेना के द्वारा जो है दिवेर के युद्ध के लिए हमला बोला गया था, मुगल सेना को काट के अंदर रख दिया गया था। जहां बात यह भी आती है कि पहलोल खान का वध जो है महाराणा प्रताप के द्वारा घोड़े समेत दो टुकड़े में काटने का जो घटना हुआ था, वो दिवेर के युद्ध में हुआ था। जहाँ कुछ लोगों में, कुछ इतिहासकारों के बीच में मतभेद है कि ये हल्दीघाटी में हुआ था या दिवेर में हुआ था, तो कुछ लोग मानते हैं दिवेर में हुआ था, कुछ लोग मानते हैं हल्दीघाटी में हुआ था। यही दिवेर के युद्ध में कुंवर अमर सिंह ने ऐसा भाला मारा कि मुगल सैनिक के घोड़े समेत आर पार हो गया था। आज महाराणा प्रताप के नाम से गली गली में आपको चौराहे चौक मिल जाएंगे। महाराणा प्रताप का नाम गली का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ये इतिहास से अभी भी हमें जो झूठा पढ़ाता जा रहा है कि अकबर हल्दीघाटी के युद्ध में जीतता है, और ये टीवी सीरियल्स में गलत दिखाया जा रहा है कि अकबर और महाराणा प्रताप आमने सामने आके एक दूसरे से वाद करते हैं, जबकि अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने आ ही नहीं सका था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि महाराणा प्रताप के सामने आके खड़ा भी हो सकता था। तो ऐसे हमारे हिंदुआ सूरज मेवाड़ रतन महाराणा प्रताप की आज 463वीं जयंती है, और ये देश भर में मनाई जाती है। पंचांग हिसाब से देखें तो ये डेट हमें हर बार चेंज होता था, लेकिन अगर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, जो कि हमेशा चलता ही आ रहा है, तो 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। मेवाड़ पर 29-30 वर्ष का उनका शासन रहा, और अपने शासनकाल के दौरान वो भी एक भी बार उन्होंने जो है अकबर के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, और मेवाड़ में स्वतंत्र वो सिंह की भांति विचरते रहे, और चित्तौड़गढ़ और कुछ जगह को छोड़कर मेवाड़ के साथ बाकी सभी क्षेत्र को जो है उन्होंने अकबर से आज़ाद करा लिया था और आजीवन स्वतंत्र रहे। तो ऐसे हमारे हिंदुआ सूरज वीर महाराणा प्रताप हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहे, जिनसे जो है इसराइल जैसे देश भी, आप भी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप जैसे, गुरु गोविंद सिंह जैसे महावीरों के जो है गाथा घर में पहुंचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।